हेलो बच्चों, आज हम लिखेंगे अ से आहा तक। तो चलो हम लिखते हैं। हम स्टार्ट करेंगे ब्लू लाइन से, एक क, दूसरा क, फिर ये स्लीपिंग लाइन, ये बन गया अ। फिर वापस हम लिखेंगे आ। आ लिखने के लिए लिखा अ और उसको एक स्टैंडिंग लाइन दी, बन गया आ। फिर हम लिखेंगे ई, स्टैंडिंग लाइन, हाफ सर्कल, अगेन हाफ सर्कल एंड उसको टेल बनाएं, ये बन गया ई। अब लिखेंगे ई, उसके लिए हम बनाएंगे पहले ई, छोटी वाली ई। फिर उसको ऊपर से हम लगाएंगे ऐसी कव, ये बन गई बड़ी ई। अब हम लिखेंगे ऊ, ये है ऊ और ये है ऊ। अब हम लिखेंगे री। री लिखने के लिए हम ऐसे कर्व बनाएंगे, फिर उसको स्लैंटिंग लाइन बनाएंगे, फिर स्टैंडिंग लाइन, फिर यहाँ से ऐसे कर्व करके टर्न करके और एक हाफ सर्कल, ये बन गया री। फिर हम लिखेंगे ए, उसके लिए हम एक स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे, उसको स्लैंटिंग लाइन बना के थोड़ा टर्न करेंगे और यहाँ पे एक कर्व बनाएंगे, फिर ऊपर की स्लिपिंग लाइन, ये बन गया ए। अब हम लिखेंगे ए, उसके लिए स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, कर्व, यहाँ पे एक और कर्व और ऊपर से एक ऐसी मात्रा, ये बन गया ए। अब हम लिखेंगे ओ, उसके लिए पहले लिखना पड़ेगा आ। आ लिखने के बाद हम उस पर लगाएंगे एक मात्रा, ये बन गया ओ। औ लिखने के लिए हम लिखेंगे पहले ओ, ये अ आ ओ और उसको और एक मात्रा, बन गया औ। अम लिखने के लिए हम पहले लिखेंगे अ और उसके ऊपर लगाएंगे एक डॉट, बिंदी, वो बन गया अम। आहा लिखने के लिए भी हम लिखेंगे अ और साइड में लगाएंगे दो डॉट, बन गया आहा। अब हम लिखेंगे क से ञ तक। तो क लिखने के लिए स्टैंडिंग लाइन, फिर क, हाफ सर्कल और उसको ये क, ये बन गया क। फिर ख लिखने के लिए हम बनाएंगे ऐसी क, नीचे से क, फिर ये स्टैंडिंग लाइन और यहाँ पे हाफ सर्कल, ये बन गया ख। ग लिखने के लिए स्टैंडिंग लाइन और यहाँ पे एक सर्कल, फिर स्टैंडिंग लाइन, ये बन गया ग। घ बनाने के लिए यहाँ पे हाफ सर्कल, यहाँ पे हाफ सर्कल और ये स्टैंडिंग लाइन, ये बन गया घ। अंग लिखने के लिए हम छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, फिर सर्कल, फिर सर्कल और यहाँ पे एक डॉट, ये बन गया अंग। अब हम लिखेंगे च, स्लीपिंग लाइन और ये नीचे से क, फिर ये स्टैंडिंग लाइन, ये बन गया च। छ लिखने के लिए है हम ऐसे घ जैसा लिख के ऊपर लेके जाएंगे और इसको यहाँ सर्कल बनाएंगे, फिर स्टैंडिंग लाइन, ये बन गया छ। ज बनाने के लिए हम पहले एक स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे, फिर उसको ये छोटी स्लिपिंग लाइन और यहाँ पे ऐसे कर, ये बन गया ज। झ बनाने के लिए हम बनाएंगे पहले छोटा वाला ई, फिर उसको ये स्लीपिंग लाइन और ये स्टैंडिंग लाइन, ये बन गया झ। ञ बनाने के लिए हम बनाएंगे ऐसा कर और फिर नीचे से उसको यहाँ तक लेके जाएंगे और ये लाइन, ये बन गया ञ। तो इस तरह से हमने लिखा अ से आहा और क से ञ।